श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपके घर में पैसा टिकता ही नहीं है, तो आपको होली के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है, जो कि धतूरे की जड़ का एक बहुत ही खास उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर आई हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। होली के दिन किया गया ये अचूक सा उपाय आपकी किस्मत को बदल देता है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने होली के लिए इस उपाय को बताया है। अगर आप होली के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में पैसों की जो तंगी है, पैसों की जो दिक्कत है, वो खत्म हो जाती है। तो देखिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको इस उपाय को कैसे करना है और किस तरीके से आपको कौन से दिन इस उपाय को करना होगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको होलिका दहन वाले दिन इस उपाय को करना है, ठीक है। होलिका दहन वाले दिन आपको क्या करना है, आपको धतूरे की थोड़ी सी जड़, बस थोड़ी सी आप जड़ कहीं से भी खोद कर ले आए, ठीक है। उस जड़ को घर पर लाकर आप शुद्ध पानी से धोकर साफ कर लें। अब आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक किसी पात्र में हल्दी ले लें और हल्दी में इस धतूरे की जड़ को डुबोकर उस पर पूरे जड़ पर जो आपको हल्दी लपेट लेनी है, ठीक है। अब आपको साथ में लेना है एक लोटा जल, एक लोटा जल, और इस जड़ को आपको लेकर पहुंच जाना अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको धतूरे की जड़ को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और अपनी मन की जो मनोकामना वो कहनी है। आपके घर में पैसों की दिक्कत है तो आपको पैसों की दिक्कत की कामना करते हुए उस जड़ को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए आपने जो एक लोटा जल लिया है वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। देखिए दोस्तों, इसके बाद में आपको उस धतूरे की जड़ को आपको वहाँ से उठाकर अपने घर पर ले आना है। घर लाकर आप उसे किसी लाल कपड़े में या लाल कागज में बांधकर अपने घर के तिजोरी या गले में रख दें। दोस्तों आप देखेंगे आपके घर में जो पैसों से जुड़ी दिक्कत है, जो पैसों की तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है, वो आपको आगे फिर कभी नहीं करना पड़ेगा। आपके घर से पैसों की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों बस आपको इतना सा उपाय करना है, आपको इसे करने में कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक इसी तरीके से आपको इस उपाय को करना होगा। दोस्तों अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों साथ में भी शेयर कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो।